Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल गौतम स्टडी अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं गौतम कुमार आज आप लोगों के लिए बिहार अमीन की परीक्षा में आने वाले हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं, जो कि हो सकता है इसमें से आपको कुछ जानकारी मिले, कुछ ऐसे क्वेश्चन मिले जो आपके एग्जाम में आ सके। तो फ्रेंड, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा फ्रेंड, ताकि मेरे वीडियो का पल पल का अपडेट आपको मिलते रहे। मैं ऐसे ही आपको अमीन के लिए हिंदी के, जनरल साइंस के क्वेश्चन लाता रहूंगा फ्रेंड, जीके के भी क्वेश्चन लाता रहूंगा। तो फ्रेंड चलिए स्टार्ट करते हैं, अमीन के हिंदी का क्वेश्चन देखते हैं। और फ्रेंड अमीन का जो एग्जाम है वो दो पार्ट में होगा, सेक्शन वन सेक्शन टू। सेक्शन वन में रहेगा आपका जीके जीएस करंट अफेयर्स और हिंदी, और सेक्शन टू में रहेगा आपको स्पेशल मैथ। मैथ रहेगा 25 नंबर का सेक्शन टू में और सेक्शन वन रहेगा 50 मार्क्स का, 50 नंबर का। तो टोटल आपका 75-75 मार्क्स का एग्जाम होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, तद्भव शब्द चुनिए। तो तद्भव शब्द जो है हमारा उत्तर जो होगा वो दूध। किसी भी मात्रा या परिमाण बोलिए, उसी चीज को कहते हैं तद्भव। तद्भव शब्द उसी को कहते हैं जिससे परिमाण या मात्रा का बोध होता है। तो दूध आपका है, मात्रा का बोध होता है, दूध से परिमाण का बोध होता है, इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन डी तद्भव शब्द। आपादान तत्पुरुष समास का सही शब्द चुनिए। तो फ्रेंड आपादान तो आप लोग जानते हैं, आपादान किसी चीज से हम लोग अलग होते हैं उसको बोलते हैं आपादान कारक। जैसे पेड़ से पत्ता गिर रहा है तो बिछड़ रहे हैं, अलग हो रहे हैं, तो वो होता है आपादान कारक। तो आपादान तत्पुरुष समास है तो क्या होगा, आपका आंसर होगा ऑप्शन ए रोग मुक्त। हम लोग क्या होते हैं, रोग से मुक्त हो गए, रोग हमको छोड़ दिया, अलग हो गए रोग से, तो रोग मुक्त हो गए, इसलिए आपादान तत्पुरुष समास हो गया रोग मुक्त। जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया हो उसे कहा जाता है। तो फ्रेंड आप लोग जानते होंगे कि जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया हो उसे क्या कहते हैं, हम लोग सरल वाक्य कहते हैं। चलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन बी सरल वाक्य, जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है। तो फ्रेंड आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, सी में अकर्मक क्रिया नहीं है। गीता ने पुस्तक पढ़ी, इसमें कोई अकर्मक क्रिया दिख नहीं रहा है। पढ़ी, उसमें पुस्तक में ये तो नहीं लिखा है कि वो किसी स्पेशल चीज का पुस्तक पढ़ी है, वो नहीं लिखा, सिर्फ लिखा है कि गीता ने पुस्तक पढ़ी है, तो वह अकर्मक क्रिया इसमें नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। उर्दू का उपसर्ग है, आप लोग उपसर्ग और प्रत्यय पढ़े होंगे। उपसर्ग जो है वो बाद में लगता है और प्रत्यय जो है पहले लगता है। तो फ्रेंड उर्दू का उपसर्ग क्या है, आपका आंसर होगा ऑप्शन सी बे। उर्दू का उपसर्ग है बे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेट की आग के लिए एक शब्द है। पेट की आग के लिए क्या शब्द है, अनेक शब्दों का एक शब्द है फ्रेंड पेट की आग। पेट की आग के लिए एक शब्द क्या होगा, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी जठराग्नि। पेट की आग, जठराग्नि को पेट की आग का एक शब्द कहेंगे, जिसका मतलब होता है जठराग्नि, पेट की आग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग एक साथ होता है। तो फ्रेंड आपका आंसर होगा ऑप्शन ए सम्मानित। सम्मानित में उपसर्ग और प्रत्यय एक साथ प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। संयुक्त व्यंजन ज्ञ इनके योग से बनता है। ज्ञ जो है किसका योग से बनता है, संयुक्त व्यंजन ज्ञ जो है किस का योग से बनता है, ज्ञ आपका। तो फ्रेंड आपका हो जाएगा आंसर सी ज, आधा ज इसको कहेंगे, ज में हलंत और ज्ञ मिलकर के पूरा ज्ञ बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है। भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है, इनमें से कौन है जो कि भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है। तो फ्रेंड आपका आंसर होगा ऑप्शन सी खट्टा। खट्टा एक भाववाचक शब्द का संज्ञा का बोध नहीं करता है। भाव जिससे किसी चीज का भाव प्रकट हो उसको कहते हैं भाववाचक संज्ञा। तो खट्टा में कोई भाव प्रकट नहीं होता, इसलिए ये भाववाचक शब्द संज्ञा शब्द नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। विशाल शब्द का सबसे उपयुक्त विलोम शब्द क्या होगा? तो विशाल शब्द, विशाल मतलब बहुत बड़ा हो गया, तो उसका ऑप्शन होगा आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा लघु। विशाल मतलब बहुत बड़ा, लघु मतलब बहुत छोटा, सूक्ष्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो फ्रेंड पंकज कमल का ही पर्यायवाची शब्द होता है, अंबुज पर्यायवाची शब्द होता है कमल का, जलज ये भी पर्यायवाची शब्द है कमल का ही। तो फ्रेंड जलद, जलद जो है ये कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपका आंसर होगा ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। निम्न वाक्यों में से किस वाक्य का पदक्रम सही नहीं है? मतलब किस वाक्य का पदक्रम जो है सही नहीं है, सही से वो शब्द नहीं बैठाया हुआ है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहन सो रहा है क्या। इसमें होना चाहिए क्या मोहन सो रहा है, ऐसा होना चाहिए था, मोहन सो रहा है क्या नहीं होना चाहिए था, तो ये गलत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सचरित्र में कौन सी संधि है? तो सचरित्र में कौन सा संधि है, तो आपका आंसर होगा व्यंजन संधि। आप लोग जानते होंगे स्वर संधि किसको कहते हैं, व्यंजन संधि किसको कहते हैं, तो सचरित्र में कौन सा संधि होगा, तो सचरित्र में आपका है व्यंजन संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यही वह वीर बालक है जिसने डूबती बालिका को बचाया था, यह है, ये कैसा वाक्य है आपको पूछ रहा है कि वाक्य है यही वह वीर बालक है जिसने डूबती बालिका को बचाया था, तो ये कैसा वाक्य है, तो फ्रेंड ये मिश्र वाक्य है। इसमें बहुत सारे वाक्य का मिश्रण है, सरल वाक्य भी है, कठिन वाक्य भी है, संयुक्त वाक्य भी है, सारे वाक्य का मिश्रण है इसमें, तो ये होगा आपका आंसर ऑप्शन डी मिश्र वाक्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक लोकोक्ति की विशेषता यहाँ होना चाहिए नहीं है, लोकोक्ति की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जिसमें लोकोक्ति की विशेषता नहीं है, आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, एक वाक्यांश होता है, एक वाक्यांश होता है, लोकोक्ति की विशेषता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अंधे की लकड़ी का अर्थ क्या होता है? तो अंधे की लकड़ी, अगर अंधा को लकड़ी पकड़ा दो तो क्या हो गया, बेचारा को सहारा मिल जाएगा, तो अंधे की लकड़ी का अर्थ क्या होगा, सहारा होना, ऑप्शन आंसर डी होगा, आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रानी बहुत बोलती है, यह वाक्य किसका उदाहरण है? फ्रेंड रानी बहुत बोलती है, यह किसका उदाहरण है, तो उसका परिमाणवाचक संज्ञा का उदाहरण है कि नहीं, परिमाणवाचक विशेषण है, सॉरी। रानी बहुत बोलती है यह वाक्य किसका उदाहरण है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, परिमाणवाचक क्रिया का विशेषण, क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? तो नीला है जिसका अंबर, यानी भगवान शिव, ऐसे ना हम लोग पढ़े थे, तो नीलांबर शब्द में कौन सा समास है, तो आपका आंसर होगा, पढ़े होंगे तो, कर्मधारय समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास है नीलांबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। राम खेल रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? तो किसके बारे में कहा जा रहा है वो उद्देश्य होता है, तो उद्देश्य क्या है, राम, राम जो है आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, राम, राम जो है उद्देश्य है, क्योंकि राम के बारे में कहा जा रहा है कि राम खेल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तुम, तू, तुम्हारा में कौन सा सर्वनाम है? तो फ्रेंड तुम, तू और तुम्हारा, आप लोग देख करके पता चल रहा होगा कि तुम किसको बोलते हैं, तू किसको बोलते हैं, तुम्हारा किसको बोलते हैं, तो ये होगा आपका ऑप्शन, आंसर जो होगा ऑप्शन बी, पुरुषवाचक सर्वनाम है, तुम, तू, तुम्हारा सब पुरुष को भी बोलते हैं, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो फ्रेंड चुनना है कि कौन सा सही लिखा हुआ है, रॉन्ग राइट आपको आता है ना चुनने के लिए, इनकरेक्ट, करेक्ट और इनकरेक्ट कौन सा है इंग्लिश में, एसएससी अगर एग्जाम दिए होंगे तो वो 2-3 क्वेश्चन आता है, तो वैसे ही इसमें भी है कि शब्द की वर्तनी सही है, कौन सा सही लिखा हुआ है, तो आपका चुनना है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुगृहीत, अनुगृहीत जो है ऑप्शन डी जो है वो सही लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वर ध्वनि किसे कहते हैं? तो फ्रेंड आपका स्वर ध्वनि किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, अ आ, अ आ को कहते हैं स्वर ध्वनि, आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए, आपका सामने 4 ऑप्शन है, कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, बाजरा, सीसा, आटा वेदना। तो फ्रेंड आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी वेदना। आप लोग को देख के ही पता चल गया होगा कि वेदना लड़की का नाम होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी वेदना। वेदना जो है स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोषारोपण करना के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा होगा? आपको मुहावरा ढूंढना है। दोषारोपण करना किसी के ऊपर दोष लगाना, तो क्या कहते हैं उसको? उंगली उठाना। ए तुम मेरे पे उंगली मत उठाओ, मुझ पे दोष मत लगाओ, दोषारोपण मत करो। तो दोषारोपण करना का मुहावरा क्या होगा? उंगली उठाना। आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनेकार्थी शब्द पतंग का यह अर्थ नहीं है। पतंग अनेकार्थी शब्द पतंग का अर्थ कौन सा जो है? पतंग का अर्थ नहीं है। तो पतंग को हम लोग सूरी भी बोलते हैं, पढ़े होंगे आप लोग बचपन में। तो पतंग को सूरी बोलते हैं, शलभ बोलते हैं, नौका बोलते हैं, मगर पतंग को पत्ता तो नहीं ना बोलते हैं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा शब्द विदेशी शब्द है? देशज विदेशज पढ़े होंगे आप लोग, तत्सम तद्भव देशज विदेशज। तो फ्रेंड आपका आंसर जो होगा, आंसर होगा ऑप्शन डी। औरत जो है विदेशज शब्द है, विदेशी शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संकेत वाचक वाक्य का उदाहरण है कौन सा? संकेत वाचक वाक्य क्या उदाहरण है? तो देखिए चार गो वाक्य दिया है। वे टहलने जा रहे हैं। इसमें कोई संकेत लग रहा है आपको? वे टहलने जा रहे हैं, नहीं लग रहा। वह अब तक खा चुका होगा, बोला जा रहा है कि खा चुका होगा। पास्ट का बात कर रहा है। भूतकाल का बात कर रहा है। वह अब तक खा चुका होगा। सी देखिए, शायद आज पिताजी आए। शायद पॉसिबिलिटी है इसमें, शायद आज पिताजी आए। इसमें भी कोई संकेत वाचक नहीं दिख रहा वाक्य। यदि तुम परिश्रम करते हो तो अवश्य उत्तीर्ण होगे। यदि तुम परिश्रम करते हो तो अवश्य उत्तीर्ण होगे। इसमें कुछ लग रहा है कि आपको संकेत दिखा रहा है कि अगर बोला जा रहा है आप पे, बोला जा रहा है कि अगर तुम परिश्रम करोगे तो अवश्य उत्तीर्ण होगे। तो इसमें संकेतवाचक वाक्य का उदाहरण लग रहा है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं झूठे से घृणा करता हूं। मैं झूठे से, झूठा है, मैं झूठे से घृणा करता हूं। इस वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है? तो फ्रेंड मैं झूठे से घृणा करता हूं वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है? तो फ्रेंड आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, आपादान कारक। क्योंकि वह अलग हो रहा है। झूठा से जो झूठ आदमी बोलता है उससे वो घृणा करता है, उसमें वो इन्वॉल्व नहीं होता है जो झूठ बोलते हैं। तो आपादान कारक अलग हो रहा है। पेड़ से पत्ता गिरता है, आपादान कारक हो गया। अगर उसमें जुदाई हो रहा है तो आपादान कारक हो गया। तो ये क्या, जो आदमी झूठ बोलता है उससे वो अलग रहता है, उससे घृणा करता है, तो आपादान कारक होगा। चलिए आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। तो फ्रेंड मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे आपको अगर वीडियो चाहिए तो प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा फ्रेंड, ताकि मेरे वीडियो का पल-पल का अपडेट आपको मिलता रहे। मैं ऐसा ही हिंदी, जीके, जीएस, सारे अमीन का क्वेश्चन लाता रहूंगा फ्रेंड, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड।